टाटा मोटर्स आज की डेट में अकेली ऐसी कंपनी है जिसकी बजट कार्स ने भी ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और गाड़ियां कम से कम 4 स्टार जरूर लाई हैं। करंटली टाटा के पोर्टफोलियो में टिगोर और टियागो 4 स्टार रेटेड कार्स हैं, बाकी सभी गाड़ियां 5 स्टार हैं और हैरियर और सफारी पॉइंट्स के मामले में सबसे सेफेस्ट कार है इंडिया में। ये बात ना सिर्फ क्रैश टेस्ट बल्कि रियल लाइफ एक्सीडेंट भी दिखाते आए हैं कि ये सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के 5 स्टार है और वाकई ये गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत बनाई गई हैं। कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जहां गाड़ी लेने के तुरंत बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में कार तो चलो आपकी नई इंश्योरेंस में आ जाएगी पर अगर जान चली जाए वो किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती। नई गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है तो ये चीज जरूर अनफॉर्चुनेट होती है कि गाड़ी लेते ही समाओ एक्सीडेंट हो गया, पर अगर आपने एक सेफ कार ली है और आपकी जान बच गई है तो वो चीज ज्यादा मायने रखती है। मिस्टर सूरज ने हमारे ईमेल पर एक ऐसा ही एक्सीडेंट शेयर किया है। एक्सीडेंट पल्टन सतारा महाराष्ट्र से रिपोर्ट किया गया। एक्सीडेंट या नई टियागो को हुआ जिसे बस शोरूम से निकाला ही गया था। अनफॉर्चुनेटली रास्ते में गाड़ी का रियर टायर फट गया और गाड़ी अनकंट्रोल्ड होते हुए राइट साइड जाकर एक पेड़ से रड़ी। गाड़ी में 2 लोग थे जहां ड्राइवर सेफ रहे, पीछे बैठी लेडी को कुछ माइनर इंजरीज आईं। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। एयरबैग्स खुले हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। गाड़ी के इंडिकेटर्स एक्सीडेंट के बाद भी जलते दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि गाड़ी में फ्रंट से मेजर डैमेजेस हैं पर पिलर पूरी तरह इंटैक्ट हैं और यही मजबूती हमें एक्सीडेंट में चाहिए होती है सेफ रहने के लिए। जहाँ ड्राइवर ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया होगा इसलिए उन्हें कोई भी इंजरीज यहाँ नहीं आई और अक्सर पीछे सीट पर लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस वजह से पीछे बैठी लेडी को झटके की वजह से माइनर इंजरीज आई होंगी। तो टियागो ने एक बार फिर प्रूव किया कि जूता बाटा का और लोअर टाटा का वाकई मजबूत होता है और ये मजबूती रियल लाइफ सिचुएशन में किसी एक्सीडेंट में जान जाने या ना जाने का फर्क डिसाइड कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा सेफली ड्राइव करने के साथ एक सेफ कार को प्रेफरेंस देना जरूरी है। यहाँ एक नई कार का एक्सीडेंट हुआ, ये अनफॉर्चुनेट था पर नई कार एक सेफ कार थी ये बात अच्छी थी जो अंदर बैठे पैसेंजर को बचा सकी। तो बजट कार्स में भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी जा सकती है, ये बात टाटा ने बार बार प्रूव करी है और बाकी कार मैन्युफैक्चर को भी इसे फॉलो करना जरूरी है। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।